हेलो ब्रिलियंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास सिक्स्थ चैप्टर नंबर टू होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर टू। देखिए इसमें क्या चीज़ है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। तो क्या हम कह सकते हैं उन दो होल नंबर्स में से एक या दोनों ही जीरो होंगे। जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स दे करके हमें आपको मतलब एग्जाम्पल्स आपको देना है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो चलिए करते हैं, देखते हैं इसको कैसे कर पाएंगे हम। लेट अस सी, लेट अस डू। तो हाँ, अगर किसी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो उनमें से एक नंबर भी अगर जीरो है तो वो जीरो ही आंसर आएगा, चाहे एक है चाहे अनेक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यस इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, देन आइदर वन और बोथ कैन बी जीरो, कि एक या दोनों ही जीरो हो सकते। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल जीरो मल्टीप्लाई नाइन, जीरो आएगा। नाइन मल्टीप्लाई जीरो तब भी जीरो आएगा। एट मल्टीप्लाई जीरो तब भी जीरो आएगा। थाउजेंड मल्टीप्लाई जीरो तब भी जीरो आएगा। जीरो मल्टीप्लाई जीरो तब भी जीरो आएगा, है ना। क्योंकि दोनों में से कोई एक भी अगर जीरो है या फिर दोनों के दोनों ही जीरो है तब भी जीरो ही आ रहा है। क्लियर हुआ। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा, ये ट्रू होगा कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो उनमें से एक, जैसे कि यहाँ पर है, या दोनों, जैसे कि यहाँ पर है, जीरो हो सकते हैं। ओके, समझ में आया ना आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।